प्रथम खबर को स्वागत कर नीलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे भारत में वैक्सीनेशन नुआ रेकर्ड गोटे दिन में 84 लाख लोक ने टीका सफलता पर प्रधानमंत्री कहले वेल डन इंडिया आगधाड़ी योद्धा को प्रशंसा दम देखाइले दुति 100 मीटर दौड़ में नुआ जातीय कीर्तिमान पटियाला 11.17 सेकेंड टाइमिंग सहित तो भांगिले निज रेकर्ड ओलंपिक्स क्वालिफाई आउ पादे आगको डरौछि डेल्टा प्लस महाराष्ट्र में 21 जनों शरीर में वेरिएंट को नहीं भय जून 7 सुधा भारत में 6 डेल्टा प्लस मामला संख्या बढ़िबा परे बढ़िला चिंता धान बिक्री को नहीं तातिलेणी चाषी टोकन अवधि शेष पंजीकरण में त्रुटि बाहना अन्नदाता हक पर राजरास्ता को ओह्लैला बरगढ़ बीजेपी कृषक मोर्चा स्नान पूर्णिमा पर श्रीक्षेत्र में कटक जनसमागम को बारण पुरीर विभिन्न स्थान में 144 धारा 23 राति 10-25 भोर जाए नियम बलवत्तर ओडिया पुओं कमाल टोकियो ओलंपिक्स में चमकबे डाक्तर विभु कल्याण नायक प्रथम भारतीय भाव एफआईएच डाक्तरी पैनेल में सामिल क्रीड़ा चिकित्सक भाव मिलला टिकेट कमाल कले बलांगीर कुनी बालक श्रेयांस 15 मिनिटे 167 प्रश्नर देले सठिक उत्तर जीतिले इंडियन बुक ऑफ रेकर्ड टाइटल देशरे गोटे दिन में रेकर्ड टीकाकरण 18-44 वर्ष सार्वजन टीकाकरण प्रथम दिन में 84 लाख लोक मिली कोरोना टीका जहाँ कुछ देशवासी प्रशंसा कर प्रधानमंत्री मोदी घोषणा अनुसार जून 21 रु सारा देश में आरंभ हो मास वैक्सीनेशन 18 वर्ष रु 44 जाए समस्त मागणा टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ होता बेले प्रथम दिन टार्गेट था 50 लाख टीकाकरण जहाँ एक रेकर्ड संख्या किंतु टार्गेट 50 लाख को अतिक्रम कर प्रथम दिन में ही नुआ रेकर्ड हो सरकारी तथ्य अनुसार गोटे दिन में 84 लाख अधिक लोक कोरोना टीका दि जाएगी जहाँपर ट्विट कर देशवासी को धन्यवाद जन प्रधानमंत्री रेकर्ड संख्यार वैक्सीनेशन खुशी कथा COVID-19 विरोध में लड़ाई में दृढ़ अस्त्र हो टीका जो मैंने टीका नहीं समस्त सम्मुख योद्धा मैंने जो मैंने नागरिक मानक किपर टीका मिले सुनिश्चित कर धन्यवाद जनाई प्रधानमंत्री ओडिया धाविका दूतींकर नुआ रेकर्ड भांगिले निजर पुराणा जातीय रेकर्ड मात्र 11.17 सेकेंड रे पार कले 100 मीटर रेस टोक्यो टिकेट आ मात्र कि पाद दूर हेले आंतर्जातिक यार्किंग एबे शेष मापकाठी ओडिया धाविका दूती नुआ रेकर्ड भांगिले निजर पुराणा जातीय रेकर्ड मात्र 11.17 सेकेंड रे पार कले 100 मीटर रेस दूती टोकियो टिकेट आउ मात्र अल्प दूर आंतर्जातिक रैंकिंग एवं शेष मापकाठी दूती टोकियो टिकेट एवं कनफर्म 100 मीटर दौड़ में नुआ जातीय रेकर्ड करने दूती चांद नजर एवं आसंता जून 29 कारण पटियाला रे इंडियन ग्रैंड पिक्स रे 100 मीटर दौड़ को 11.17 सेकेंड रे अतिक्रम करी मात्र 0.2 सेकेंड पर दूती टोकियो आशा क्षीण रही किंतु क्रीड़ा समीक्षकों मतरे एबे भी रही दूती टोकियो टिकेट हातेबार सुजोग आज एक स्वर्णिम दिन दूती दुई दुईटी जातीय रेकर्ड ना दर्ज है पटियाला 24-29 पर्यंत जो हम अंत राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता से दूती सुजोग रही वर्तमान सी 100 मीटर रे 47तम और 200 मीटर रे 50तम विश्व रैंकिंग रे रही आज डेट जेहेतु June 29 रही लास्ट डेट ओलंपिक कट ऑफ डेट रही तेणु June 30 रे अपडेट हम और जुलाई पहला दिन जो संशोधित आसब मु 200-500% निश्चित जे दूती निश्चित भाव ओलंपिक जा लगातार भाव में आम ओडिशार गौरव भारत द्रुततम धाविका को ओलंपिक रे दौड़ देखिपर आज दौड़ अत्यंत चमत्कार था सेपटे दूती कोच रमेश नागापुरी कहवा कथा आसंता June 29 जाए दूती टोकियो जीवार संभावना रही June 29 तारीख में अपडेट होब विश्व रैंकिंग
जदि दुति विश्व रैंकिंग रे 56 रैंक मध्य रे रुहंती तबे ही ओडिया धाविकां को टोकियो टिकट कन्फर्म हो जिवो 100 मीटर में ओलंपिक क्वालीफाई करने के लिए 11.15 भागना पड़ेगा नहीं तो 56 रैंक के अंदर रहना पड़ेगा ठीक है अच्छा। तो अभी हमारा 100 मीटर का रैंकिंग है 43 अभी यहाँ जो 11.17 भागे ये एफ कैटेगरी में आता है हमें ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स मिलता है इसका मतलब हमारा रैंकिंग 36 के अंदर आ जाता है अगर 56 रैंक 29 जून तक आप मेंटेन कर पाते हैं आप ओलंपिक जा सकते हैं ओलंपिक्स क्वालिफाई करबा पई गोटिए पाद आगी छंती दुति रैंकिंग अनुसार टोकियो ओलंपिक्स पई दुति क्वालिफाई एबे भी करि परबे जा आसंता जून 29 तारीख रे स्पष्ट हेबो भुवनेश्वर कलिंगश्री पंडांग को रिपोर्ट अर्गस न्यूज ए संपर्क अधिक आलोचना करिया पई हम सहित रहिछंती हम सहयोगी रहिछंती कलिंगश्री पंडा रहिछंती कलिंगश्री जदि हमें पूर्व ओलंपिक कथा मने पकेबा ताले अपन जानिथिबे जहा जहा इंसिडेंट हेतला दुतिंक सहित माने लेट रे से जिबा सेठी दुई दिन आगरो पहुंचिबा सेठाकर वेदर सहित से अक्वेंटेड नहि परिबा तांको टाइमिंग खराब हबा बहुत किछि जिंस सामना को आस्तेले जो आशा करा जाउतला कि दुतिंक ठारो किछि कमाल करि देखेबे ता हे पानतला निराशा बाको पडला किंतु सेकंड टाइम पुनि थरे सुजोग आसछि दुतिंक पई दुति मते से अपेक्षा थिले निजको प्रस्तुत करिछन सो आपण कोण लागुछि कि टोकियो रे बहुत किछि कमाल करी देखेबे दुति देखो तो नीलिमा से आशा विश्वास भरोसा मध्य रहुछि दुतिंग ठारु कारण दुति अनेक सेमती करिश्मा करी देखैछन्ति एवं काली जो इंडियन ग्रैंड प्री 4 रो 100 मीटर दौड़ रे दुति रेकॉर्ड स कीर्तिमान स्थापन करछन्ति हेले 0.02 सेकंड पई सीधा सळक ओलंपिक्स पई योग्यता हासिल रु वंचित होइछन्ति देखंतु ओलंपिक्स योग्यता पई 11.1 सेकंड दरकार थिबा बेले दुति 11.14 सेकंड समान नैथिले किंतु ए किंतु आमे एठी कहबा जे ए आशा एठी सरिनी ओलंपिक्स पई द्वारा खुला अछि दुतिंक पई वर्तमान ताकु ओलंपिक्स पई सहाय्य करि परे रैंकिंग अर्थात 56 जन को सीधा सड़क योग्यता मिल आम जब नीलिमा देखा दुति रैंक को आम जब देखा बर्तमान 45 भितर रैंक रोचे और बड़ कथा रोचे जे पटियाला जो चली इंडियन ग्रैंड प्री 29 तारीख पर्यंत मैच रोचे और टाइमिंग सुधरिया आहरी समय रोचे सी तुम निज टाइमिंग जहाँ रही 11 एक साथ नहीं आहरी सुधारी पारे रीणिमा आम आशा भरोसा रखा जे दुति दुति ओलंपिक जी ओलंपिक टिकेट कनफर्म करेंगे कारण आहरी जहां पु सहित कथा होती मैच सरी टाइमिंग सुधरिया को आहरी अनेक समय रही तो आम कमी कहीपर जो ओलंपिक सीधा सख से कटिगले कारण जदि टाइमिंग भी खराब हुए रैंक ही साय्य कर अल्टरनेटिव रोचे रैंक से टॉप 56 भितर रुहत तो सीधा सख से टोकियो ओलंपिक जापर नीलिमा तो जेनेली आम कलिंग भी देखीचे कि टाइमिंग भाइटाल रखुच्छे कारण इंडियान वेदर और आब्रोड वेदर टा बहुत फरक था जोटा कि दुति बोधे निजे स्वीकार करते लास्ट ओलंपिक रिएक्शन को मन पकेवा सो टाइमिंग इज वेरी बिग मैटर तेणु टाइमिंग बर्तमान कोच कौन कहते आप आलोचना करते सहित कारण अल्टरनेटिव टाइमिंग खराब होकर ऑप्शन होता रैंक हाँ जैसे आम तक सहित कथ से टाइमिंग तो खराब अच्छे जहाँ को ओलंपिक्स टाइमिंग अनुसार आज 2 सेकेंड कम से अधिकार नहीं जदि सी आहरी मोर प्राक्ट करेंगे वेदर जोटा आप कहते देखो भारतीय एशिया वेदर और आउट ऑफ इंडिया जिते जी से वेदर निश्चित भाव छाड़ब आक्वेटेड हाक आमको अधिक दिन से रही पड़ो मिसा पड़ो से कंडीशन अनुसार तुमको प्लानिंग कराइक पड़ो आपण जदि आहरी जहाँ सहित कथा होती कितु नागपुरी जहाँ कहते तो यहाँ सरी जाए आपड़ कहीं भावुँ ये तरह सरीगला तरह आहरी गेम अच्छी जब गोटे मैच खराब है आम सीधा सड़क तक टारगेट करें आहरी तरह मैच रोचे और सी जब भल परिश्रम कर सीधा सड़क जापरेंगे कितु ये आप मुंडे रखि था जदि सी टाइमिंग भल दे पारे कि नंबर पड़े जेहेतु सी रैंकिंग भल अच्छी किंतु कलिंग जदि अन्य पटे जदि देखिबा कि एटा गोटे छोटे एक्सक्यूज भी नुहे कारण गोटे गोटे सेकेंड रे भी बहुत किसी गेम चेंज हो जाए जहाँ आम देखीचे दौड़ प्रतियोगिता रे तो दुति से निजको केते प्रस्तुत करछथि सेटा होछि सबुठो बड़ कथा बहुत बहुत धन्यवाद कलिंग ई रहितलाम प्रतिनिधि कलिंगश्री पंडा तो देखिबार कथा कि 100 मीटर दौड़ रे नुआ रेकर्ड सृष्टि करछथि दुति निज रेकर्ड को से निजे भांगी छथि तेणु ओलंपिक रे से क्वालिफाई करिया बोली समस्ते बेस आशावादी रहिछथि
स्नान पूर्णिमा अवसर पुरी सहर विभिन्न स्थान में 144 धारा जारी जनसमगम को एड़ेबा प्रशासन पक्षर 144 धारा जारी होई कोरोना महामारी को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षर एक कटकणा जारी होई आसंता राति 10:25 तारीख भोर 2 पर्यंत एक कटकणा बलवत्तर रहिबो केवल अनुमति प्राप्त व्यक्ति विशेष व्यतीत अन्य कहारिकु प्रवेश अनुमति दिजिव ना बड़दाण्डर मार्केट छक काकुड़ीखाई छक मर्चिकोट लेन मर्चिकोट लवणीखिया छक जेनारी गछ छक लवणीखिया छक दोलमंडप साही भोगजागा एवं खुंटिया साही छक दे दोलमंडप साही जनीमुंडिया छक ठारु बाली साही सहित विभिन्न स्थान रे कटकणा बलवत्तर रहिबो। अशोपर्ती खबर को महाराष्ट्र रे पुणी 21 जनक शरीर रे डेल्टा प्लस वेरिएंट चिन्हट होई छे एथिमधिरो 8 डेल्टा प्लस मामला महाराष्ट्र रे रत्नगिरी चिन्हट होई छे एने महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे सूचना देछंती अत्यंत संक्रामक डेल्टा प्रजाति नूतन रूप से परिणत हो डेल्टा प्लस रे परिणत होती जातीय रोग नियंत्रण केन्द्र निर्देशक डाक्टर सुजीत सिंह कहते तमिलनाडु पंजाब मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्य मानकरु डेल्टा प्लस मामला चिन्हट होती जून 7 सुधा भारत में 6 डेल्टा प्लस मामला रही थिला। खबर जारी रहिबो समीक्षक ब्रेक रो स्वागत। ओडिया पुओं कमाल टोकियो ओलंपिक रे चमकीबे ओडिया पुओ डाक्टर विभु कल्याण नायक प्रथम भारतीय भाव एफआईएच रो डाक्टरी पैनल रे सामिल होती विभु कल्याण देखिबा रिपोर्ट बहुत खुशी ये एक एमती खुशी मुहूर्त जहाँ जड़े माँ आखिरे लुह आनी जदि टोकियो ओलंपिक रे ओडिया पुओ चमकिब को माँ बा खुशी न हो देशपाई गौरव आणिले डाक्टर विभु कल्याण नायक क्रीड़ा चिकित्सक भाव में डाक्टर विभु कल्याण को मिली ओलंपिक टिकेट टोकियो ओलंपिक 2021 एफआईएच रनिजिया डाक्तरी पैनल रे से सामिल होती प्रथम भारतीय भाव एफआईएच मेडिकल ऑफिसर भाव निजुक्ति पाई ओडिया पुओ जहाँकि ओडिशा आनी गर्व एवं गौरव 23 जुलाई 2021 आरंभ होता टोकियो ओलंपिक्स हॉकी इवेंट एफआईएच मेडिकल ऑफिसर हिसाब से निजुक्ति दवापाई मु एफआईएच रो धन्यवाद जनाउची डेफिनेटली कथा होची वी आर वेरी मच हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ बिकॉज ही इज नॉट ओनली द फर्स्ट उड़िया ही आल्सो द फर्स्ट इंडियन टू गेट सच ए प्रेस्टिजियस रिकग्निशन। भारतीय बॉक्सिंग टीम रो डाक्टर भाबे करियर आरंभ करथिले विभु कल्याण 2009 रे भारतीय हॉकी टीम रो डाक्टर भाबे नियुक्ति पाइथिले यहपर 2010 रे विश्वकप कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स रे तांकु नियुक्ति मिलिथिला 2012 ओलंपिक पर्यंत भारतीय टीम रो डाक्टर थिले ओडिया पुओ विभु कल्याण तेबे ही नियुक्ति पाई एफआईएच को से धन्यवाद जनाइछंती प्रभु जगन्नाथंक आशीर्वाद रु एहा संभव होई पारिथिबा कहिछंती विभु कोविड कटकणा मध्येरे ई दायित्व बड़ चैलेंज बोली से कहिछंती जगन्नाथंकर भी बहुत बड़ आशीर्वाद कि मु प्रथम भारतीय आउरी गौरव कथा कि प्रथम ओडिया हिसाब से एफआईएच रो मेडिकल अफिसर भाव में मोर दायित्व तुलेबी टोकियो ओलंपिक्स रे आउ एबेर जो कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस भितरे प्लेयर मानकर सेफ्टी ऑफिशियल्स मानकर सेफ्टी आउ स्पेक्टेटर्स मानकर सेफ्टी मो पई एटा अज्ञा सब बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी हबो एटा गोटे यूनिक ओलंपिक्स उथरे ये जो टास्क टा बहुत चैलेंजिंग हबो आउ एति पई भी भगवान पाखरे मोर प्रार्थना कि मु जेंदे सुचारु रूप रे मोर दायित्व टा तुले पारिबु सेति पई भगवान पाखरे मोर प्रार्थना। ओलंपिक क्रीडा महाकुंभ रे विभु को एई सुजोग मिलिथिबारु तांको विभिन्न महलरु शुभेच्छा जणाइछंती इस सफलता पाई तांको ट्वीट करी शुभेच्छा जणाइछंती खेल एवं युवसेवा विभाग मंत्री तुषार कांति बेहरा। भुवनेश्वर चिन्मयी सह कलिंग श्री पंडा रिपोर्ट प्रकाश न्यूज। बलांगीर जिलार कुनी बालक श्रेयांस कमाल 15 मिनिट्रे 167 प्रश्नर सठिक उत्तर दे जीतिले इंडियन बुक अफ रेकर्ड टाइटल चलन देखिबा कौन कहउछंती 5 वर्षर श्रेयांस। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड रे बाजी मारिले 5 वर्षर कुनी बालक श्रेयांस 15 मिनिट्रे 167 प्रश्नर फटाफट उत्तर दे ए टाइटल हासिल करिसेंती बलांगीर कुनी बालक।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ, ପୁରାଣ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷର ଏହି କୁନି ବାଳକ। जीके का क्वेश्चन और आंसर सब पता है। इंडिया, वर्ल्ड, साइंस, इन्वेंशंस, लेजेंडरी क्वेश्चन, महाभारत, रामायण। श्रेयांश को सफलता को नहीं खुशी व्यक्त करछन्ती तांको बापा माँ। खूब कम बयसरु पाठ पढ़ा और किसी नुआ शिखिबार इच्छा श्रेयांश को पई सफलता आनी दैतिबा कहछन्ती तांको बापा। ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିକେରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ଟା କରିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱାର୍ଲଡ଼ ଆଉ ବହୁତ 6ଟା ଟପିକ୍ ଉପରେ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖି ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ବି କଥାମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣେ, ମନେ ରଖେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସେ ଶିଖିପାରିଛି। ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିନି କିଛି। ଦେଖିବା, ସେ ତ ଛୋଟ ଅଛି, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କମ୍ ବୟସରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ ଏହି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଯାଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାକୁ ନେଇ ତାତିଲେଣି ଚାଷୀ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ, ଟୋକନରେ ତ୍ରୁଟି, ଧାନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଅଭାବ ଆଦି ଆଳ ଦେଖାଇ ଧାନ କିଣା ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ବିଜେପୁରରେ ବରଗଡ଼ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବାହାର କରିଥିଲା ସାଇକେଲ ରାଲି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାଷୀ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ, ଟୋକନରେ ତ୍ରୁଟି, ଧାନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଭାବ ଆଦି ଆଳ ଦେଖାଇ ଧାନ କିଣାଯାଉନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବରଗଡ଼ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ବିଜେପୁରଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହକ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଲେଫ୍ଟ ଟୋକେନର ପୁନଃ ରିଜେନେରେସନ ତଥା ମଣ୍ଡିରୁ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ କରିବା ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଆସି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସାଇପାଲିର ଚାଷୀ 26 ଜଣ ଚାଷୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋକନର ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ନେଇ ମରିଦେଇ ଆଉ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ ମଣ୍ଡିରେ, କିନ୍ତୁ ତାର୍ପରେ ବି ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହେଲା। ଧାନ 7-8 ଦିନ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇକରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାଇପାଲି ମଣ୍ଡିରୁ ବରଗଡ଼ ସିଏସ୍ସି ଅଫିସ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେନ୍ଟାକି ସାଗିଲ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ କଲାବାଇ ଧାରଣ କରିଛୁ। ଯଦି ଧାନ ନି ଉଠିଲା ତ ଆମେ ବି ଅଫିସରୁ ନି ଉଠୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେବା। ଏହି ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବାମରାଜ ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଣିଘାଇ। ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର ଦେଇ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛେ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ। ତୁମେ 24 ତାରିଖ ପରେ କେମିତି ଆସୁଛ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଆମେ ସେଟା ଆସିକିରି SHG ଗ୍ରୁପରେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ କେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନଥିଲେ ଆଉ
ତାକୁ ପଚରାଲା ପରେ ଆମେ ନାହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମକୁ ଚିଠି ହେଇନାହିଁ ବୋଇଲେ ଆର୍ଆଇ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସି ନଥିବ କାହିଁକି ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ତ ସେମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଅନଲାଇନରେ କରାହେଇଛି। ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏପରି ସମୟରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।